अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शब्बीर जान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गपशप विलाप। दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत सही है माशाल्लाह, खुश रहो, वसदे रहो, शाते आबाद रहो। अच्छा दोस्तों, ये खाली खेत है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। पहले इसमें गंदम की फसल थी, उसकी कटाई हो गई, अब ये जो खेत है खाली हो गया है। अच्छा, इसमें बकरियाँ और भेड़ें जो है ना मौजूद हैं, ये देखें, ये चार ही हैं, ठीक है ना। ये भेड़े हैं, बकरी, ठीक है ना, काफ़ी तादाद में हैं, ये देखें आप नज़ारा करें, ठीक है ना। और ये देखें इधर आओ छोटे, क्या नाम है तेरा? माजिद। ये माजिद हैं जी, ये देखें छोटा बच्चा है, ये भेड़ बकरियाँ चरा रहा है, ठीक है ना जी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा कुछ, ये हमारे चचा चाचू हैं। क्या हाल है जी, ठीक हो ना? क्या है? लाल मोहम्मद। ये जी लाल मोहम्मद है माशाल्लाह, ये चरवाहा है, ये अपनी ये देखें बकरियाँ और भेड़ें चरा रहे हैं। अच्छा लाल मोहम्मद है दस, ये कितनी हैं भेड़ा? 40। ये कहते हैं 40 भेड़े हैं, और बकरियाँ कितनी हैं? अच्छा 5 बकरियाँ हैं। अच्छा ये बताओ हमारे दोस्तों को, ये नस्ली हैं या देसी हैं? नस्ली। ये कह रहे हैं नस्ली। अच्छा ये जो एक भेड़ है, साल में कितनी वो देती है बच्चे? साल कितनी एक भेड़? हाँ जी, अच्छा ठीक है, ये हमारे। अच्छा ये तो सा दसाओ ना साकू भी नस्ली के रही है। अच्छा अच्छा ये दसो, ये साल कितनी फल लेंदी है? साल है 4 फल लेंदी है एक भेड़। ये दोस्तों ये बता रहे हैं कि साल में ये दोस्तों बता रहे हैं कि साल में वैसे आमतौर पर 2 फल देती है एक भेड़, नहीं तो अमूमन 4 भी दे देती है। अच्छा ये दसो सारे दोस्तों को, ये जेरिया बकरे हैं तो आजा, ये साल है कितनी फल लेने? अच्छा 4 भी देती हैं, 2 भी देती हैं, 6 भी देते हैं। दोस्तों ये बता रहे हैं कि 4 फल भी देती है एक बकरी, 2 फल भी देती है और 4 फल भी देती है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा इस ये दसो कि इन्हें खीर तुसा दुहेंदे रहो? हाँ अच्छा, तो ये सारे दोस्तों को दसो एक बकरी कितना खीर दें दिए? कोई खुराक का नहीं। अच्छा हाँ दोस्तों, ये लाल मोहन बता रहे हैं कि एक बकरी 1 किलो भी देती है, आधा किलो भी देती है, 1 पाव भी देती है, ये इनकी खुराक पे मुनसर करता है। अगर इनको अच्छी खुराक खिलाई जाए तो एक बकरी 1 किलो से भी ज़्यादा दूध देती है। अच्छा ठीक है ना, अगर इसकी खुराक बढ़ाई जाए तो इससे और भी दूध बकरी से हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ये देखें ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ये देखें ये भेड़ें चर रही हैं, ये देखें ये सारी नस्ली भेड़ बकरियां हैं, ये देखें अच्छा सही है, वो कह रहे हैं ये सारी जो भेड़ें हैं नस्ली हैं। सही सही सही। अच्छा दोस्तों वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये जो भेड़ बकरियों का जो कारोबार है ये बहुत अच्छा कारोबार है, ठीक है ना, इससे आप बहुत अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये जो भेड़ बकरियां हैं इनका बहुत अच्छा कारोबार है, ठीक है ना जी, हलाल रिस्क है ये। तो आप चाहें तो छोटी भेड़ बकरियाँ मंडियों से ले कर उनको आप पाल सकते हैं, इससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ये रिस्क का बेहतरीन ज़रिया है। और आप छोटे ये छोटा कारोबार है तो आप छोटा कारोबार शुरू करके अपना उस कारोबार को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में कमेंट्स दें, ठीक है ना जी, शुक्रिया।